छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान से तो हर कोई वाकिफ है। आज उनकी 393वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में नागपुर में हर साल की तरह इस साल भी उनकी जयंती पर खास आयोजन किया गया। ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। कोरोना के बाद हुए इस आयोजन में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उत्साह तो बहुत है। कोरोना के बाद अभी इस बार पहली बार मना रहे हैं। बहुत बढ़िया वाला उत्साह है और अच्छा लग रहा है महाराज सब कुछ। इस साल के भ्रम है, हर साल यहाँ पे जो शिवाजी जयंती ऐसी ही मनाई जाती है और हर साल यहाँ पे आप जैसी भीड़ देख रहे हैं वैसी भीड़ हमेशा रहती है। और इस साल का जो हमारा उत्सव था वो कोरोना के बाद सेकेंड टाइम हो रहा है तो और बहुत ज़्यादा धूमधड़ाके में हुआ है। इस कारण बहुत नागपुर की पब्लिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है और इसी प्रकार का प्रतिसाद अगले साल भी आप लोगों को दिखने मिल सकता है। जयंती के इससे तो हम यही बताना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जो ढोल ताशा पथक और जो ताल ढाल ये सब चीज़ें जो है और घोड़ा सवारी ये सब यहाँ पे इस माध्यम से शिवाजी जयंती के महाराज के जयंती के माध्यम से हम यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ पे हर नागपुर वासियों का यही प्रयत्न है कि कैसे शिवाजी महाराज को अपन आगे लेके जा सकते हैं। आयोजन में शामिल हुए प्रतिभागियों और दर्शकों के चेहरे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए गर्व का भाव देखा ही जा सकता है। उनका कहना है कि वो पूरे साल में इस दिन का इंतजार करते हैं जब वो शिवाजी महाराज का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मना सके। बहुत उत्साह, बहुत उमंग है और लोगों का, मैं खासकर यंगस्टर का इतना देख रहा हूँ ना, इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है इतने कुछ सालों में, 8-10 सालों में इतना कभी नहीं देखा मैंने। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर लेकिन इस साल ज़्यादा ही उत्साह है, बिल्कुल ऑसम का माहौल है। खासकर यंगस्टर, बहुत मेरे डॉटर, उनके कॉलेज के बच्चे सब आए यहाँ पर ग्रुप बना के, तो बहुत ही यानी इस साल का तो मेरे को बहुत आउटस्टैंडिंग कार्यक्रम लग रहा है। ये पार्टिसिपेशन खासकर लोगों का, पूरे एज ग्रुप के हैं यहाँ पर, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये परंपरा चली आ रही है, ये सालों साल बढ़ते जा रही है। मैं आज शिवाजी महाराज जयंती निमित्त आज मुझे इतना उत्साह और इतना आदर और इतना आनंद हो रहा है। इस वेशभूषा में ऐसा लग रहा है कि अखंड शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज का आज ये जयंती निमित्त मुझे बहुत बहुत इतना उत्साह और इतना आनंद और इतनी क्या कहा जाए, शब्द ही नहीं है मेरे पास। परंतु मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो भी है जय भी है, हम आज शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण ही है और आज मैं उनको कोटि कोटि नमन